हेलो गाइस, 7 पॉइंट हमने कर लिया था, 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं। एट पॉइंट है गाइस हमारा, मेडिकल और हेल्थ केयर हमारा ऑलरेडी कवर हो गया ऊपर वाले पॉइंट्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कंसर्न फॉर सोसाइटी। मेडिकल वाला हो गया है, 9th पॉइंट है हमारा कंसर्न फॉर सोसाइटी। इंडस्ट्रियलिस्ट कन्वर्ट द एग्रेरियन environment into gaseous, into industrials convert the agrarian environment into an in gaseous dustful and clummy state of surroundings। The auditor should look into to maintain a balance between industry development and society concern, because society feels alienated due to conversion of environment। तो गाइस लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। तो गाइस 10 पॉइंट हमने कवर करे हैं, लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं अपना 10th पॉइंट। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ऑडिटर शुड इंश्योर वेदर the auditor should ensure whether the proper control devices have been installed and working efficiently or whether there is need for additional devices। तो गाइस इसी के साथ हमारे 10 पॉइंट कवर होते हैं, एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट में था, फर्स्ट पॉइंट में था गाइस लेआउट एंड डिज़ाइन। कि लेआउट मतलब जैसे कोई हम इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं तो उसका एक जब आर्किटेक्ट से हम उसका डिज़ाइन बनवाएंगे तो उसमें एक जो जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगनी है सब लगनी है, उसका एक प्रॉपर वो हमारे को जो स्पेस जो है उसको डिवोट, वहाँ पर जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं
उनकी स्पेस इंडस्ट्री में जो आर्किटेक्ट है जिससे डिज़ाइन बनवाएंगे वो पहले से एलोकेट करके देगा, ठीक है गाइस। सेकंड पॉइंट में कहता है कि अगर हमें किसी चीज़ की अपग्रेडेशन भी करनी पड़ जाए, यानी कि अभी हमने मान लो एक चिमनी लगाई हुई है बट एक चिमनी हमारे को और लगानी पड़ जाती है, तो उसके लिए भी स्पेस अवेलेबल हमारे पास होनी चाहिए। लास्ट में वो कहता है अगर कोई फिर भी उसके बाद डेफिशिएंसीज दिखती है तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट कहता है हाइजीन सिस्टम। हाइजीन सिस्टम गाइस हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, वर्कर्स का वॉशरूम्स वगैरह उनको अवेलेबल होने चाहिए। थर्ड पॉइंट में वो बोलता है इंफॉर्मेशन असैसिनेशन रिपोर्टिंग। गाइस एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जैसे कि MIS सिस्टम होता है, मैंने आपको मेरी पहली वीडियोस में भी बताया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एक, तो उसको रेगुलर इंटरवल्स पे जो वर्कर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं वो एक रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को देते हैं ताकि टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल रह सके उनकी वर्किंग प्लेस के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर। तो ये वही है, उसने बोला है उसको रेगुलर इंटरवल पर देंगे और रिपोर्ट के साथ साथ जो कंप्लाइंसेस हमने करे हैं इन्वायरमेंटल लॉज के या जो कंप्लाइंसेस नहीं भी करे उसकी भी एक रिपोर्ट जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट में गाइस बोलता है हमें वो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए, इसमें वो बोलता है हम जो इनका एयर वाटर लैंड और सॉयल का जो यूज़ है एक सिंक्रोनाइज का मतलब होता है गाइस मिला जुला कर कुछ ऐसे कुछ मतलब कि एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन में उसको यूज़ करेंगे कि जो उसका आउटपुट है वो एकदम बेस्ट निकलेगा। इस मिनिमम उसने एक यहाँ मेंशन भी करा है रिजल्टिंग लेस इनपुट विद मैक्सिमम आउटपुट, मतलब इनपुट कम लगे और आउटपुट हमारी ज़्यादा निकले। फिर फिफ्थ पॉइंट में गाइस कंप्लायंस टू रेगुलेशन मैकेनिज्म, जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल लॉज हैं उसको फॉलो करना है। सिक्स पॉइंट है गाइस अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी, तो जो केमिकल गैस इंडस्ट्रीज होती हैं गाइस आपको पता ही है उनमें, जैसे अभी इसमें हम क्रैकर इंडस्ट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो गाइस हम जैसे ही देखते हैं दिवाली आने वाली होती है तो उस टाइम पे न्यूज़ में आ रहा होता है इस पटाखा इंडस्ट्री में आज आग लग गई, ये हो गया इतने कई जगह, तो दिवाली वाले दिन भी जो मार्केट लगी होती हैं, जैसे मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे इधर फरीदाबाद में एक ग्राउंड है जहाँ पर वो बड़ी मार्केट लगती है गाइस पटाखों की, तो पिछली बार दिवाली में ही क्या हुआ, वहाँ पे एक जो है किसी चिंगाड़ी की वजह से कुछ भी वो पूरी मार्केट में गाइस वो एकदम भयानक आग लग गई थी गाइस। तो ऐसे भी इसको भी इसके लिए भी वो उसने उन्होंने कहा है कि प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देनी, ट्रेनिंग हम जो फर्म जो एंटिटी है उनको पूरी प्रॉपर ट्रेन करेगी कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा या फायर लग जाती है कुछ हो जाता है तो वो उसको उसके ऊपर काबू पा सकें उसको कंट्रोल कर सकें। सेवन्थ पॉइंट में गाइस बोलता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए कि इनके लिए जो जितने भी वहाँ से, जैसे गाइस कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ होता है जो कि नॉर्मल इंसान या नॉर्मल अपना नॉर्मल ड्रेस में उसको नहीं कर सकता, उनके लिए स्पेशल गाइस ड्रेस होती है, स्पेशल स्पेक्स होते हैं, स्पेशल उनके लिए जो भी मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट में बोला है हेल्थ हजार्ड्स में वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स नेचर्स ऑफ पोल्यूटेंट। गाइस हर इंडस्ट्री का अपना अलग अलग नेचर होता है पोल्यूटेंट्स का, किसी इंडस्ट्री में गाइस स्मोक ज़्यादा होती है, किसी इंडस्ट्रीज में वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो फिर एट्थ पॉइंट ये मेडिकल वाला इन्हीं सब में कवर हो चुका है। नाइन्थ पॉइंट है गाइस कंसर्न फॉर सोसाइटी। गाइस होता क्या है कि जैसे हमारे हरे भरे जो जितने भी मान लो जो हमारे लैंड्स हैं या जो खेत वगैरह हैं हम हमारे इंडस्ट्रीज क्या करते जा रहे हैं आजकल, उनको जो जिंदे फार्मर्स के जो लैंड्स हैं जो खेत वगैरह हैं उनको पैसे देके वो एक्वायर करते जा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट को अगर मेट्रो बनानी होती है या कुछ भी काम करना होता है तो वो उनके एक्वायर कर लेती है, और कंपलसरी एक्विजिशन भी उसको बोलते हैं इनकम टैक्स में गाइस सेक्शन 54 समथिंग है, तो वहाँ पर उनको कंपनसेशन भी मिलती है जो अगर लैंड कंपलसरी एक्वायर कर लेते हैं। तो गाइस वो तो खैर एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक हरी भरी सोसाइटी को हम एक उसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको इसके लिए जो जितना भी सोसाइटी को नुकसान होता है तो उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्री भी डेवलप होती रहे और जो हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है वो भी मतलब सही रहे। लास्ट पॉइंट है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। गाइस जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो जितने लगने चाहिए वो लगे हुए हैं, वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अगर कोई और एडिशनल चाहिए तो उसके लिए भी रिपोर्टिंग कर देंगे।
यहाँ पे गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर टू, फॉर्मेट ऑफ एनवायरनमेंट स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर वन, नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर और इट्स ऑक्यूपायर। सेकंड पॉइंट है गाइस डेट ऑफ लास्ट एनवायरनमेंट रिपोर्ट सबमिटेड। थर्ड पॉइंट है गाइस कंज्यूमशन ऑफ वाटर एयर एंड अदर रॉ मटेरियल फॉर द आउटपुट ऑफ ड्यूरिंग करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। फोर्थ पॉइंट है गाइस जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेसेस एंड फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। फिफ्थ पॉइंट है गाइस जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। बाकी सेम हो जाएगा गाइस। पॉइंट फोर, सिक्स पॉइंट है गाइस डिस्पोजल प्रैक्टिसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। सेवन पॉइंट है गाइस पोल्यूशन जनरेटेड इन एयर और वाटर विद आउटपुट एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। लास्ट पॉइंट प्रैक्टिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल। और एक पॉइंट और कर लेते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर इन
पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। तो गाइस ये हमारा एक फॉर्मेट का रिपोर्ट है, इसमें कुछ समझाने वाली तो चीज़ है तो याद करने वाली चीज़ है। तो नेम और एड्रेस, ऑक्यूपायर का, डेट, लास्ट रिपोर्ट कब सबमिट करी थी, कंज्यूमशन ऑफ वाटर एयर इस साल कितना करा और पिछले साल कितना करा, और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, कितना पोल्यूशन हमने जो है जनरेट करा। फिर जो हम जो है गाइस, आप आजकल एक ऐड भी सुन रहे होंगे रेडियो पे या टीवी पे आ रही है कि वो जो अपने गीले कूड़े को लाल डब्बे में डालें और दूसरे को हरे डब्बे में डालें, नीले डब्बे में डालें, कुछ ऐसी ऐसी ऐड भी आ रही है। तो वो मतलब अलग अलग जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको अलग डिस्पोज ऑफ करते हैं और जो सॉलिड नहीं होता उसको अलग डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो 7.9 बोलता है पोल्यूशन जो जितना भी जनरेट हुआ है ईयर में उसकी डिटेल्स और जितनी हमारे को परमिशन मिली हुई है। कि जैसे गाइस होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जिनका डिस्पो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होती हैं उनका कुछ जो प्रोसेसिंग में गाइस क्या होता है कि जो है बहुत वेस्ट जनरेट होता है। तो कुछ ऐसा वेस्ट भी होता है जिनको हमें वाटर में या सप्लाई में उनको डिस्पोज ऑफ वहाँ पर बहाना होता है। तो गाइस कई कंपनियाँ रिवर गंगा वगैरह में भी जैसे उसको डिस्पोज ऑफ करती हैं। तो गाइस हमें वहाँ पर एक चीज़ चेक करनी होगी कि जितनी उनको परमिशन मिली है वो परमिशन जो है वो परमिशन जो ग्रांट उन्होंने हम जो परमिशन हमने जो उनको मिली हुई है वो उसके अकॉर्डिंग जितना डिस्पोज ऑफ करना है वो उतना ही किया है, उन्होंने नहीं किया। फिर वो क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि लाइट को, लेट से एग्जांपल लेते हैं लाइट को बचाने के लिए क्या उन्होंने कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स वहाँ इंस्टॉल करें या नहीं करें। फिर लास्ट पॉइंट है गाइस कि अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कुछ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस में चाहिए तो वो भी एक देखते हैं। थैंक यू गाइस।